सो हेलो एवरीवन अनन्या अग्रवाल दिस साइड करंटली अ फर्स्ट ईयर एम स्टूडेंट एट वी एम न्यू डेली एंड आप सभी को दिल से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरा न्यू ईयर तो वैसी हैप्पी हो गया था यार जब हमने वन जैन 2025 को न्यू ईयर के दिन 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए एंड मेरा काफी मन था एक स्पेशल 10,000 थाउजेंड सब्सक्राइबर्स क्रॉस होने की वीडियो बनाने का लेकिन थोड़ा टाइम क्रंच है मुझे क्योंकि मेरे भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हैं मिड सम्स हैं मेरे लाइक जैन एंड में तो मैं सोचा कि पहले आज की वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं वो सेलिब्रेशन वाली तो हम कभी भी कर लेंगे क्योंकि एज यू नो कि अब नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में बस सिर्फ चार महीने बचे हैं तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने अपने लास्ट के फोर मंथ्स को कैसे शेड्यूल किया सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो ठीक है आप थोड़ा सीरियसली होके बात करते हैं जैन स्टार्ट हो गया है तो जैन में आपको क्या करना है आई होप कि वैसे आप सबका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा अभी तक कंप्लीट हो ही जाना चाहिए अगर किसी का भी बचे तो प्लीज़ जल्दी कंप्लीट कर लो तो जैन अब स्टार्ट हो गया तो आपको अपने टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है सबसे पहले जैसे सिलेबस खत्म होता है आपको पार्ट सिलेबस टेस्ट की एक साइकिल करनी है पूरे सिलेबस की लाइक पार्ट सिलेबस टेस्ट है आठ लो या नौ टेस्ट लिखो लेकिन पूरा इलेवेंथ और ट्वेल्थ का सिलेबस एक बार कवर हो जाना चाहिए और जैसे ही आपका पार्ट सिलेबस टेस्ट ख़त्म हो फुल सिलेबस टेस्ट पे स्विच कर लो एंड माइंड इट कि जो अभी ट्वेल्थ में है लाइक एक्सेप्ट ड्रॉपर्स जो अभी ट्वेल्थ में हैं, उनके अभी जनवरी में प्रैक्टिकल्स भी होंगे प्री बोर्ड भी होंगे तो उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा एंड एज सून एज आपके पार्ट सिलबस टेस्ट खत्म हो आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी फुल सलेबस टेस्ट की टू पर वीक होनी चाहिए इससे कम होगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी बिकॉज़ फिर आप नीट को लाइक मैनेज नहीं कर पाओगे बोर्ड के साथ बिकॉज बोर्ड का प्रेशर तो है ही ठीक है तो आपको अब थोड़ा लाइक प्रेशर हैंडल भी करना सीखना पड़ेगा बोर्ड्स और नीट का फिर फेबरी में तो आपके बोर्ड्स ही आ जाएंगे एंड डिटेल्ड वीडियो कि मैंने बोर्ड्स और नीट साथ साथ कैसे मैनेज किए उसके लिए आप वीडियो देख लेना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और प्लीज़ देख लेना वरना आप बोर्ड्स के चक्कर में अपनी नीट की प्रिपरेशन ख़राब कर दोगे ठीक है फिर एंड जो ड्रॉपर्स हैं उनको कुछ नहीं करना उनको टेस्ट देते जाना है उनका सिलेबस अभी जान में भी बचा है तो कोई दिक्कत नहीं है उनको फेबररी में एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा तो उसमें उनको टेस्ट ही देना है एनालाइज करते जाना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो वीक टॉपिक्स बचने ही नहीं चाहिए फेब के बाद आपका वीक टॉपिक नहीं बचना चाहिए मार्च मिड तक बोर्ड्स भी खत्म हो जाएंगे एंड आपके वीक टॉपिक भी खत्म हो जाएंगे जो ड्रॉपर्स के हैं फिर मार्च मिड से अप्रैल एंड तक बस वन एंड हाफ मंथ है एंड आपको फुल गेयर से काम करना है जैसी बोर्ड्स खत्म हो विद इन वन वीक रेडी हो जाओ कि अब तो मेरे को हर हफ्ते टेस्ट ही टेस्ट देना है मतलब जिन बच्चों का एवरेज फाइव बिलो है उनका मिनिमम टू फुल सिलेबस टेस्ट पर वीक होना चाहिए एंड जिनके इससे ज़्यादा आ रहे हैं उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है मैं पर्सनली जैसे ही मेरे बोर्ड्स ख़त्म हुए मैं कुछ दिन एक टेस्ट देती दे दे थी कुछ दिन दो टेस्ट देती दे थी लाइक like, सिर्फ हफ्ते में एक या दो दिन होते होंगे जिस दिन मैं टेस्ट नहीं देती थी वरना हर रोज़ दो टेस्ट या एक टेस्ट तो चल ही रहा होता था एंड बिलीव मी इसी की वजह से मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ है दिस एंड जो बोर्ड्स की ड्यूरिंग मैंने करा लाइक like, वो आप वीडियो से देख लेना एंड अगर किसी एस्पिरेंट ने अभी तक रिवीजन नहीं स्टार्ट किया है बट एकदम करने वाले और आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो मैं आपके लिए लाई एक बहुत बढ़िया रिवीजन प्लानर मेमोनीट की तरफ से ये है मेमोनीट का तो ब्रह्मास्त्र न्यू ईयर रेजोल्यूशन प्लानर और इसमें आपको मिलेंगे ट्वेंटी सिक्स पार्ट सिलेबस टेस्ट और टेन फुल सिलेबस टेस्ट अपने कोई आपके वीक एराज है स्पेसिफिकली उसका पार्ट सिलेबस टेस्ट ऐप से दे सकते हो इनकी और इनका जो प्लानर है वो देखो वो आपको शेड्यूलिंग में कैसे हेल्प करेगा जैसे फर्स्ट वीक का है तो इन्होंने चैप्टर्स चैप्टर्स दिए हुए हैं ये फर्स्ट वीक के ठीक है तो एंड टेस्ट भी दे रखा है कि आपका फर्स्ट टेस्ट फोर और सेकेंड टेस्ट सेवन जैन को है तो उसके हिसाब से आपको डे वाइज कैसे पढ़ना है एंड आप नोटिस करोगे कि ये चार बजे के बाद का है तो सपोज आपका अभी जैसे फोर और ये वाला तो आपको मिस हो चुके होंगे लेकिन आप इनको आराम से कवर कर सकते हो इसका सिलेबस चार बजे से पहले अगर आप किसी दिन फ्री हो है ना और जैसे मैं आपको दिखाऊँ जैसे डे सिक्स ले लो आप तो डे सिक्स में सबसे पहले आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो इसकी लाइन बाई लाइन बेस्ड एनसीआरटी के क्वेश्चंस आप इनकी ऐप से प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी कि वो रेफरेंस कहाँ से लिया हुआ है ऐसे फिर आपको ब्रेक लेने के बाद केमिस्ट्री का सोल्यूशन चैप्टर पढ़ना है तो जैसे आपको एक्जाम्पल प्रैक्टिस करें तो आपको एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे फिर अगेन ब्रेक के बाद आप इलेक्ट्रोस्टाइट्स प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आप मेमो नीड की ऐप से प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको बहुत ईजिली एक्सप्लेनेशन और पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा फिर आप टेस्ट दोगे आपको ओ एम आर स्कैन करनी है ओ एम आर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो आप कर लोगे एंड आप ओ एम आर को ओ एम आर की फ़ोटो यहाँ डाल दोगे तो खुद आ जाएगा कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी एंड लाइक आपकी जो भी गलतियाँ होंगी वो ऑटोमेटिकली ऐप के इन बिल्ड फीचर मिस्टेक बुक में चली जाएगी तो आपका काम भी थोड़ा ईजी हो जाएगा एंड आप देखोगे जैसे सेकेंड वीक है तो सेकेंड वीक का जो फर्स्ट टेस्ट है जनवरी इलेवन को उसमें बी पी टी वन एंड बी पी टी टू का सिलेबस आएगा तो आप कवर करके तब भी दे सकते हो इसको आराम से सो आई थिंक ये काफी बढ़िया प्लानर है जिन भी एस को लाइक like, शेड्यूलिंग में दिक्कत आती है अगर आपको अपने प्लान के हिसाब से पढ़ना है तो भी आप इनकी ऐप के इन -बिल्ट फीचर्स तो को यूज ही सकते हो अपने हिसाब से जैसे आपको पढ़ना है so, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हो डिस्काउंट के लिए मैंने आपकी बोर्ड्स की जो डेट शीट है वो देखी है तो लाइक आई थिंक मेजोरिटी बच्चों का 11 मार्च तक ही है लाइक इलेवन मार्च को इंग्लिश का है देन बायो का आपका 25 मार्च को है तो बायो का बोर्ड काउंट नहीं करेंगे हम 11 मार्च और 25 मार्च में बहुत बड़ा गैप है ज्यादा से ज्यादा एक दिन ले लेना डायग्राम्स और जो भी आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी है उसके लिए अलग से टाइम वेस्ट नहीं करोगे इलेवन मार्च के बाद ही आपको फुल गेयर से नीट पे ही फोकस करना है नीट की बायो और बोर्ड्स की बायो डिट्टो सेम है लाइक like डिट्टो बस आपको डायग्राम्स प्रैक्टिस करना है और तो आपको आ ही जाएगा बिकॉज बायो का आपका लास्ट पेपर है तो उसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना इलेवन मार्च के बाद ही आपको जितना टाइम तुम तो नीटली निकाल सकते हो उतना ही तो निकालोगे तो इलेवन मार्च के बाद लाइक like, मे के फर्स्ट संडे को आपका नीट होगा तो आई थिंक इट्स थर्ड में या फर्स्ट में मेरे को याद नहीं है तो वन एंड हाफ मंथ ही बचेगा जो कि बहुत ज्यादा कम है तो इलेवन मार्च के बाद ही विद इन वन वीक आपको गेयर्स शिफ्ट करके फुल सिलेबस टेस्ट पे लग जाना है एंड गाइज आई थिंक दिस वॉज ऑल फॉर टूडे बट एक स्पेशल एडवाइस जो कि मैं देना चाहूंगी वो ये कि जब आपके टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगे चाहे पार्ट सिलेबस टेस्ट हो या फुल सिलेबस टेस्ट हो तो उसकी प्रिपरेशन में आपका मेन मोटिव वीक टॉपिक्स ही होना चाहिए प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि अगर मैं वीक टॉपिक्स करने लग जाऊंगी तो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स छूट जाएंगे और मेरा स्कोर कम आएगा इन टेस्ट का मेन मोटिव ये है कि हम लाइक like, नीट की तैयारी को लाइक like, अच्छे से कर लें तो वीक टॉपिक्स पे ही फोकस करना ये मत सोचना कि स्कोर कम आएगा या ज़्यादा आएगा बिकॉज यही लास्ट मोमेंट है जब आप अपने वीक टॉपिक्स को लाइक like, थोड़ा टाइम दे पाओगे वरना बाद में इतना भी टाइम नहीं मिलेगा सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे गाइज थैंक यू हैव नाइस डे